नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी बुक है अंतरा। नौवा अध्याय है जिसका नाम है दूसरा देवदास। और ये जो अध्याय है इसकी जो लेखिका है उनका नाम है ममता कालिया। तो ये ममता कालिया जो आपके जो लेखिका है ये पहली लेखिका अभी आपके सामने शायद आई होंगी। इससे पहले आपने सारे जो है लेखक पढ़े थे, तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन है, ये जो कहानी है थोड़ी सी ये मतलब हटके है। बाकी कहानियां जो अभी तक आपने पढ़ी ये थोड़ी सी उससे हटकर है। कैसे? दूसरा देवदास कहानी ममता कालिया द्वारा रचित युवा मन की संवेदना भावना विचारगत उथल पुथल को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। जो एक युवा मन होता है, जो एक जो मतलब यंगस्टर जो एज होती है, एक यंग एज होती है, उसके अंदर जो क्या मतलब भावना होती है, उसके अंदर जो मतलब जो लड़के या लड़की दोनों में से उनके बारे में यहाँ पर जो है यहाँ पर अच्छे से जो है ममता कालिया जी ने यहाँ पर बताया। यह कहानी युवा हृदय में पहली बार आकस्मिक मुलाकात की हलचल, कि मतलब पहली बार अगर किसी से मतलब आकस्मिक मुलाकात होती है तो उसकी हलचल के बारे में, जो मतलब कैसा हृदय में जो मतलब जो उसकी अनुभूति होती है वो बताया है, और जो कल्पना और जो रोमानियत वो सब जो है इसमें आप देखने को मिलेगा आपको कहानी के अंदर। कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस कहानी में लेखिका ने स्पष्ट किया है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। कि अगर प्यार है तो मतलब उसके लिए कोई निश्चित व्यक्ति का या समय का होना या स्थिति का होना मायने नहीं रखता, और वह कभी भी कहीं भी और किसी भी समय हो सकता है। ऐसा यहाँ पर जो है लेखिका जी ने बताया है। और लेखिका ने प्रेम के पवित्र और स्थायी स्वरूप का चित्रण किया है। कि जो प्रेम को जो आज के टाइम पे गलत समझा जाता है, लेखिका ने उसकी जो है मतलब धारणा को कटाक्ष करते हुए और ये बताया है कि किस प्रकार प्रेम को जो है एक पवित्र और स्थायी स्वरूप जो है यहाँ पर जो लेखिका है उन्होंने यहाँ पर उसका दिखाया है। पहला टॉपिक है आपके सामने हर की पौड़ी गंगा आरती। तो हर की पौड़ी जो जगह है ये हरिद्वार में गंगा आरती जहाँ पर होती है, तो संध्या के समय हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा जी की आरती का एक दृश्य अत्यंत मनोहरी होता है और हर की पौड़ी पर भक्तों की भीड़ जमा होती है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस तरीके से आता है कि जो शाम के समय हर की पौड़ी पर गंगा आरती होती है उसके दृश्य को बताइए कि वो कैसा होता है। तो संध्या के समय शाम के समय हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा जी की आरती का दृश्य अत्यंत मनोहरी होता है, काफी सुंदर होता है और हर की पौड़ी पर भक्तों की भीड़ जमा होती है। फूलों के दोने, जो फूलों के दोने होते हैं आपने देखा होगा जिनको जो गंगा जी में डाला जाता है, जो दोने होते हैं फूलों के दोने इस समय 1 रुपए के बदले 2 रुपए के हो जाते हैं, उनका रेट बढ़ जाता है। जो फूलों के दोने नॉर्मल टाइम पे 1 रुपए के मिलते हैं वो गंगा जी की आरती के समय 2 रुपए के हो जाते हैं, और भक्तों को इससे कोई शिकायत भी नहीं होती। चाहे वो 1 रुपया महंगा हो जाता है लेकिन उससे कोई भक्तों को शिकायत नहीं होती। आरती के समय बहुत सारे दीप जल उठते हैं और पंडित अपने आसन से उठ खड़े होते हैं। जब आरती का समय होता है तो बहुत सारे जो दिए होते हैं वो एक साथ जलते हैं, पंडित जो है वो अपने स्थान से उठकर खड़ा हो जाता है और हाथ में अंगोछा लपेटकर 5 मंजिली नीलांजलि को पकड़ते हैं और आरती शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये फोटो, नीलांजलि जिसमें मतलब वो जो आरती को जो मतलब जिसमें घुमाया जाता है उसको पकड़ते हैं पंडित जी और आरती शुरू हो जाती है। घंटे घड़ियाल बजते हैं, लोग अपनी फूलों की छोटी छोटी कश्तियां गंगा की लहरों पर तैराते हैं, छोटी छोटी जो नौकाएं होती हैं जो उनकी फूलों की, और जो गंगा पुत्र होते हैं गंगा पुत्र दोने में रखा पैसा मुंह से उठाकर जो है मतलब वो फिर वहां से चले जाते हैं। गंगा पुत्र कौन से होते हैं? जो गोताखोर होते हैं, ठीक है, जो हरिद्वार में गोताखोर होते हैं, जो अंदर से जो दोने में से पानी के अंदर घुस के और वो दोने में से जो वो पैसे वगैरह निकालते हैं। और पुजारियों का स्वर जब थक जाता है, जब पुजारी थक जाते हैं आरती के बाद, तो क्या होता है लता मंगेशकर जी की सुरीली आवाज में ओम जय जगदीश हरे जो ये मतलब भजन है ये जो है इसकी आवाज जो है गूंजने लगती है पूरी हर की पौड़ी पे, और अधिकांश औरतें जो है वो गीले वस्त्र में आरती में शामिल होती हैं। तो ये कुछ शाम की आरती का दृश्य होता है हर की पौड़ी पर, जो कि अगर एग्जाम में आपको लिखने के लिए आता है तो आप ऐसे थोड़ा इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगला टॉपिक है गंगा पुत्र, कि आखिर गंगा पुत्र किसे कहा गया है। ठीक है, लेखिका ने गंगा पुत्र का नाम जो है किसे दिया है? गंगा पुत्र उन गोताखोरों को कहते हैं जो गंगा घाट पर हर समय तैनात रहते हैं। ठीक है, यदि कोई गंगा में डूबने लगता है तो ये उसे बचा लेते हैं। गोता जो खोर होते हैं, जो गंगा पुत्र है जिनको नाम दिया गया गंगा पुत्र, उनका काम क्या होता है? वो हर समय वो गंगा के जो है घाट पर तैनात रहते हैं और अगर कोई डूबने लगता है तो वो उसे बचाते हैं। इनकी जीविका का साधन जो ये इनकी रोजगार जो मतलब इनका रोजगार का साधन जो जो इन्हें पूंजी मिलती है वो कैसे मिलती है?
जो लोगों द्वारा, जो हजारों भक्त आते हैं, लाखों भक्त आते हैं, उनके द्वारा अर्पित किया जाने वाला पैसा, जो फूल का जो दोना होता है, जो उसके अंदर पैसा रखकर बहाया जाता है गंगा नदी में, तो ये गोताखोर जाकर उसको निकालते हैं पैसे को, और फिर उसको अपने पास में वो रखते हैं। लोग अपना दोना लहरों पर बहा देते हैं, और जो गंगा पुत्र होते हैं वो दोने में से बैठा जो पैसा होता है उसको उठाकर और अपने मुंह में रख लेता है उन पैसों को, और उनका पूरा जीवन गंगा घाट पर ही बीत जाता है। जो गंगा पुत्र होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, उनका पूरा जीवन गंगा घाट पर बीत जाता है। गंगा मैया की जो जो मतलब जो गंगा मैया है वही उनका जीवन है, और वही गंगा मैया उनकी आजीविका है। गंगा मैया ना हो, गंगा अगर नदी ना हो, तो वो कहाँ वो गोता खाएंगे और कहाँ वो अपने पैसे जो है वो निकाल कर लाएंगे। तो गंगा मैया जो है वही उनका जीवन है और वही उनकी आजीविका है, मतलब जो पैसे का जो साधन है वो गंगा मैया है। और वह 20-20 चक्कर लगाकर मुंह भर रेजगारी बटोरता है। रेजगारी मतलब जो खुले पैसे होता है वो, मतलब बहुत सारे खुले पैसे, ज्यादातर जो होते हैं डोने के अंदर खुले पैसे पाए जाते हैं, तो उन पैसों को वो अपने मुंह में मतलब भर के लाता है, और फिर उन पैसों को क्या करता है, अपनी बीवी या बहन को दे देता है, और उनकी बीवी बहन क्या करती है, उस जो वो रेजगारी होते हैं, जो वो खुले पैसे होते हैं, उनको बेच देती है और उसके बदले नोट ले लेती है। तो इस तरीके से कुछ इनका जो है मतलब जीवन चलता है, जो गंगा पुत्र होते हैं, जो गंगा नदी के आसपास ही तैनात रहते हैं। अब अगला टॉपिक है आपका पुजारी का आशीर्वाद। अब ये पुजारी का आशीर्वाद क्या है, पुजारी ने किसको आशीर्वाद दिया, आइए देखते हैं। संभव नाम का लड़का, अब ये जो चैप्टर है आपका दूसरा देवदास, इसमें जो दो आपके जो है मेन कैरेक्टर है, एक तो है संभव नाम का लड़का है और पारो नाम की लड़की है। तो संभव नाम का जो लड़का है वो यहाँ अपनी नानी के पास आया हुआ था हरिद्वार में, और संभव ने इसी साल MA पूरा किया था, और तथा वो सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं में बैठने वाला था। तो मतलब वो UPSC वगैरह का एस्पिरेंट था, और वो मतलब सिविल सर्विसेज में बैठने वाला था। माता पिता की आज्ञा के अनुसार वह हरिद्वार गंगा के दर्शन करने आया था। अपने मम्मी पापा से पूछकर आज्ञा लेकर वो हरिद्वार के लिए आया था, ताकि सिविल सेवा में उसका चुनाव हो सके। वो यहाँ पर आशीर्वाद लेने आया था कि ताकि उसका जो है सिलेक्शन हो जाए। अब क्या हुआ, बहुत देर तक स्नान करने के बाद वह पानी से बाहर आया, और पंडित ने उसके माथे पर चंदन का तिलक लगाया। जब पुजारी उसकी कलाई पर कलावा बांध रहा था, तो उसी समय एक दुबली नाजुक सी कलाई पुजारी की तरफ आगे बढ़ी। ठीक है, जिस टाइम पे वो बंधवा रहा था उसी टाइम एक दूसरी कलाई आगे बढ़ी। पुजारी ने उस पर कलावा बांध दिया और लड़की को देखकर संभव आकर्षित हो गया। उसने जब देखा, वो जो पतला सा हाथ था, जो वो कमजोर सा, और वो जो नाजुक सी जो कलाई आई थी, वो एक लड़की की थी। तो संभव ने जब उस लड़की को देखा तो संभव आकर्षित हो गया, और जब लड़की ने कहा कि अब तो आरती हो चुकी है, अब हम कल आरती की बेला आएंगे, तो वो जो लड़की ने बोला था कि अब तो आरती हो चुकी है, अब हम कल आरती के समय आएंगे, पंडित जी को लड़की ने ऐसा बोला कि हम आरती के समय आएंगे, वो लड़की ने हम अपने लिए सिर्फ बोला था। वो लड़की जो है मतलब आपको पता है बहुत लोग ऐसे होते हैं जो खुद को ये नहीं कहते कि मैं आऊंगा, वो कहते हैं हम आएंगे। तो लड़की ने उस सेंस में कहा था कि हम कल आरती के समय अब आएंगे। तो पंडित जी ने क्या समझ लिया, लड़की ने जो हम बोला है उसने लड़के को जोड़कर बोला है, कि लड़का और लड़की दोनों मिलाकर उसने बोला है कि हम अब कल आरती के समय आएंगे। परंतु असलियत क्या थी, वो दोनों अजनबी थे और एक दूसरे को नहीं जानते थे। तब पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में ले लिया, युगल मतलब जोड़े के अर्थ में। पुजारी ने सोचा कि ये दोनों जो है मतलब प्रेमी प्रेमिका हैं, और पुजारी ने समझा कि ये जो जो मतलब इनका जोड़ा है, और पंडित जी ने आशीर्वाद दे दिया, सुखी रहो, फूलो फलो, और जब भी आओ साथ में ही आना, गंगा मैया मनोरथ पूरी करे, आपकी हर मनोकामना पूरी करे, ऐसा आशीर्वाद जो है पंडित जी ने दे दिया उन्हें। और पुजारी ने ये समझ लिया था कि वे प्रेमी प्रेमिका है, परंतु वास्तव में वे अनजान थे। ठीक है, तो ये पुजारी का आशीर्वाद था जो कि उसने गलत फहमी के द्वारा जो ये दिया था। तो ये भी एग्जाम में आ जाता है, पूछता है कि मतलब पुजारी का जो आशीर्वाद था। ठीक है, क्वेश्चन आपको मैं लास्ट में मैंने आपको बताया हुआ है इस वीडियो में। अगला टॉपिक है संभव के मन में हलचल। संभव कौन था भाई, वही लड़का जिसने उस दिन जो आरती के समय, जब वो बाद में जब वो नहा धो के जब वो वहां पर तिलक वगैरह लगवाने गया था, जो लड़की का हाथ साइड में आया था और जिस लड़की को उसने देखा था, वो लड़का जो था उसका नाम संभव था, और वो जो लड़की वहां पर उसको दिखी थी उसका नाम था पारो। उस लड़की से छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में हलचल पैदा कर दी और संभव बेचैन सा हो गया। ठीक है, कि जब से उसने मतलब उस लड़की को देखा, तो संभव जो है उसका जो है मतलब सारे जो मतलब चैन था एक, मतलब वो उसका खत्म ही हो गया, और उसके मन के अंदर एक हलचल से पैदा हो गई, और वो बेचैन रहने लग गया। बस वो दोबारा उस लड़की से मिलना चाहता था, और उसकी भूख प्यास भी अब मिट गई थी। ठीक है, अब उसको ना भूख लग रही थी ना उसे प्यास लग रही थी, सिर्फ उसे वो पल याद आ रहा था। ठीक है, जो घटना वहां पर घटी थी,
नींद और सपनों के बीच में उसकी आंखों में घाट की पूरी बातें दौड़ रही थी। वो जो है सोते जागते और सपनों में एक ही बात उसको सिर्फ दिख रही थी, जो घाट पर उस दिन वो उसके साथ जो सीन हुआ वही जो है उसके दिमाग में चल रहा था। संभव उस लड़की को अपने मन की बात बता देना चाहता था, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि संभव उससे आकर्षित हो गया था लड़की से, और वो अपने मन की बात उस लड़की से बता देना चाहता था। उस रात संभव को ठीक से नींद तक नहीं आई। ठीक है, जब उसने वो सारी जो घटना हुई थी जिस दिन, उसकी आंखों में उस लड़की की छवि बसी हुई थी। वह उन प्रश्नों के बारे में सोच रहा था जिन्हें वह उसके मिलने पर करने वाला था, कि वो सोच कर बैठा था कि जब भी मैं उससे मिलूंगा अगली बार अगर किस्मत से, तो मैं उससे क्या क्या पूछूंगा। तो ये सारे प्रश्न वो अपने दिमाग में जो है वो तैयार कर रहा था। और संभव के जीवन में आने वाली ये पहली लड़की थी। आज से पहले कभी संभव ने लड़की के बारे में सोचा नहीं था, और पहली बार जो है उसके साथ ऐसा हो रहा था, और जीवन में उसके ये पहली बार ये लड़की आ रही थी। तो ये कुछ था जो संभव के मन में हलचल चल रही थी। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। अब आगे है मनसा देवी मंदिर। अब यहाँ पर क्या होता है आपको देखना है, आपके बैकग्राउंड में फोटो है मनसा देवी जो आप देख सकते हैं ऊपर। जब ये जो मतलब केबल कार से जब ऊपर जाते हैं तो हरिद्वार का व्यू कैसा लगता है ये आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। तो मनसा देवी मंदिर आपका टॉपिक है, और संभव ने जब मनसा देवी के मंदिर में प्रवेश किया था, तब सभी लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने हेतु लाल पीला धागा लेकर गिठान बांध रहे थे। जो मतलब जो वो जो धागा वगैरह बांधते हैं मन्नत का पेड़ वगैरह पर, तो वो जो है सभी लोग बांध रहे थे लाल पीला धागा। संभव ने भी धागा लेकर बांधा, और उस धागे को बांधते समय पारों के बारे में वो सोचने लगा, और वो सोचने लगा कि कितना अच्छा होगा कि उसका एक बार मेल दोबारा से हो जाए पारों से। वो दोबारा एक बार इससे मिलना चाहता था। यही उसने जो मतलब मनोकामना मांगते हुए उसने वो गांठ लगाई। ठीक है, वो जो उस लाल पीले धागे की गांठ उसने लगाई थी। संभव मनसा देवी जाने के लिए केबल कार में बैठा था। केबल कार आपके सामने फोटो है, आप ये ट्रॉली से देख सकते हैं। ठीक है, यही जो है मतलब ये डोलियां ऊपर की तरफ जाती हैं, तो इसी में जो है वो संभव बैठा हुआ था। संभव मनसा देवी जाने के लिए केबल कार में बैठा था। अब उसे गुलाबी रंग ही अच्छा लग रहा था। ठीक है, क्योंकि जब लड़की ने गुलाबी कपड़े पहने हुए थे तो उसके दिमाग में वो गुलाबी रंग जो है वो छा चुका था। तो अब जो वो संभव था उसके मन में सिर्फ गुलाबी रंग छाया हुआ था। उसको हर जगह गुलाबी रंग दिखने लगा था। सबके हाथ में चढ़ावा देखकर वह दुखी था। ठीक है, जो सभी लोग वहां पर थे वो चढ़ावा अपने हाथ में लेकर आए थे, लेकिन संभव के हाथ में कुछ नहीं था, और वह चढ़ावे की थाली खरीद कर नहीं लाया था। सभी लोगों ने चढ़ावे के लिए जो है थाली खरीद रखी थी, पर संभव ने जो है वो थाली नहीं खरीद रखी थी। अब आगे क्या हुआ, नीचे पंक्तियों में सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। जहां से वो जब वो ऊपर की तरफ जा रहा था मनसा देवी की तरफ, तो वहां पर आसपास जो है सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, और पूरा हरिद्वार सामने खुला हुआ था। आप देख सकते हैं ये ऊपर से उसको कैसा दिख रहा होगा, बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि पूरी गंगा नदी जो है ऊपर से ऐसे दिख रही थी विस्तृत रूप से, और सब पूरा हरिद्वार जो है एक नजर में दिखाई देने लगा था उसको ऊपर से, और सभी जो फूल है वो खिले हुए ऊपर से दिखने लगे थे। जगह जगह मंदिरों के बुर्ज जो मतलब मंदिरों की जो चोटियां थी वो दिख रही थी, इतनी ऊपर से इतनी हाइट पर वो ऊपर आ गया था कि पूरा हरिद्वार उसको साफ दिखने लगा था, और जितने भी मंदिर थे उनकी चोटियां ऊपर से दिख रही थी, और गंगा मैया की खूबसूरत धार उसे दिखाई दे रही थी। जो ऊपर से जो गंगा मैया का नजारा होता है वो जो है संभव को दिखाई दे रहा था। और अब अगला टॉपिक है मनोकामना की गांठ। अब ये मनोकामना की गांठ है, इसको आगे क्या हुआ कि अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि उसकी मुलाकात पारो से दोबारा हो गई। अब इसमें भाई क्या हुआ कि वो पारो से एक बार तो पहले मिला था, अभी जब वो मनसा देवी की तरफ जा रहा था तो कुछ समय बीता, और उसके बाद क्या हुआ, उसकी मुलाकात पारो से हो गई, और उसने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। उसने क्या चाहा था, मैंने आपको बताया था कि उसने जब वो गांठ लगाई थी लाल पीले धागे की, जब उसने बांधी थी, तो उसने ये एक मनोकामना मांगी थी कि दोबारा जो है उसका मिलन पारो से हो जाए, और उसने जैसा चाहा वैसा ही हुआ। पारो के मन की दिशा बड़ी विचित्र हो रही थी, और वह सोच रही थी कि ये कैसा संयोग है। जब वो दोबारा मिल गए एक दूसरे से तो पारो भी खुश थी, और वो सोच रही थी कि ये एकदम अजीब सी घटना है, ये कैसा हो गया और ये कैसे हुआ और ये संयोग कैसा है। इतनी भीड़ होने पर भी जिससे मुलाकात हुई थी आज उससे दोबारा से मुलाकात हो गई। जब पिछली बार ये मिले थे इतनी भीड़ थी, और इतनी भीड़ में कौन किसे याद रखता है, लेकिन ये दोबारा से उनकी सेम जो व्यक्तियों की दोबारा से मुलाकात होगी प्रेमी और प्रेमिका की, जब ये एक दूसरे को मतलब चाहने लगे थे। तो पारो का संभव से इस प्रकार मिलना उसके अंदर गुदगुदी सी पैदा कर रहा था। पारो को जो है बहुत मतलब एक खुशी सी हो रही थी अंदर से, क्योंकि वो भी आकर्षित थी संभव की तरफ, और संभव तो था ही, जो मैंने आपको बता दिया। पारो को लगता है मनोकामना की गांठ भी कितनी अनूठी होती है। पारो भी गांठ बांध कर आई थी ऊपर,
और जो संभव है वो भी बांध कर आया था। तो उसने पारो ने बोला कि पारो को लगता है मनोकामना की गांठ भी कितनी अनूठी होती है, अभी बांधो और अभी फल की प्राप्ति कर लो। अभी अभी पारो ने भी गांठ बांधी थी और उसके कुछ ही क्षण बाद क्या हुआ, उसका मिलन हो गया किससे, संभव से। और वह फूल ही ना समाती थी, वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। फूल ही ना समाना मतलब अत्यधिक खुश होना, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और वह स्वयं को भाग्यशाली समझ रही थी कि वो सोच रही थी कि मैं कितनी ज्यादा जो है किस्मत वाली हूँ कि मेरी दोबारा से मुलाकात हो गई, क्योंकि देवी माँ ने उसकी मनोकामना इतनी जल्दी पूरी कर दी थी। अब आगे क्या हुआ, संभव भी मन ही मन पारो से मिलने की मनोकामना पाले हुआ था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार वो जब गांठ बांधने जाता है तो उसने सोच रखा था कि मैं दोबारा से मिलना चाहता हूँ, यही उसकी मनोकामना थी। और उसे इस मिलन की आशा तो थी, पर उसकी मनोकामना इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी यह निश्चित नहीं था। कि संभव को पता तो था भाई, उम्मीद थी कि हाँ मैं अगर ये मनोकामना मांग रहा हूं तो जरूर मेरी मनोकामना पूरी होगी, मैं दोबारा पारों से मिल लूंगा दोबारा। लेकिन उसे ये नहीं पता था ये जो मनोकामना है मेरी ऑन द स्पॉट पूरी हो जाएगी वहीं पर, वहीं गांठ बांधी और उसी के कुछ क्षण बाद उसका मिलन हो गया पारों से। तो जब उसने अचानक प्रकट हुई पारों को देखा तो उसने यही सोचा, हे ईश्वर मैंने कब सोचा था कि मनोकामना का इतना जल्दी शुभ परिणाम मिलेगा। वो ऊपर की तरफ देख के कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी इस मनोकामना का परिणाम इतनी जल्दी शुभ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ उसके मन की हलचल थी। अब आगे क्या हुआ, दूसरा देवदास शीर्षक जो कहानी है वो वहां पर समाप्त होती है, वो दोबारा मिल जाते हैं। और अब जो आपका जो क्वेश्चन बनता है वो है दूसरा देवदास शीर्षक, जो ये टॉपिक है इस पूरे अध्याय का, दूसरा देवदास। क्या ये सही है, क्या इस चैप्टर का नाम दूसरा देवदास ही होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो इसमें लिखा हुआ है दूसरा देवदास शीर्षक पात्र पर आधारित है। आपको पता है इसमें दो पात्र हैं, दो कैरेक्टर हैं, पारो और संभव। देवदास प्रेम कहानी का प्रमुख पात्र है और इस कहानी में उसका नाम संभव है। आपको पता है देवदास जो है और जो पारो है इनकी प्रेम कथा पहले आपने नाम सुना होगा, पर वो जो देवदास है इसमें इस कहानी में उसका नाम बदल के संभव रखा गया है, पर लड़की का नाम पारो ही है। वैसे यहाँ देवदास शब्द का प्रतीकात्मक रूप में लिया गया है, जो देवदास शब्द है उसका जो है मतलब प्रतीक के रूप में देवदास को इस अध्याय का जो वो टॉपिक है जो देवदास दूसरा देवदास उसको प्रतीक के रूप में लिया गया है। क्योंकि देवदास किसे कहते हैं, देवदास उसे कहते हैं जो अपनी प्रेमिका को पागलपन की हद तक प्यार करता है, जो अपनी प्रेमिका से हद से ज्यादा प्यार करता हो पागलपन की हद तक, उसको देवदास कहा जाता है। तो आपने देखा कि संभव भी कैसे पागलों की तरह प्यार करता है और पारों के पागलपन में वो उसको नींद चैन उसका सब जो है मतलब खो जाता है और वो पारों को पाने का हर प्रयास करता है, मनोकामना की गांठ लगाता है। इसीलिए जो है संभव को जो है दूसरा देवदास भी कहा गया है और अतः हम कह सकते हैं कि ये शीर्षक जो है वो ठीक है। यहाँ पर आपका दूसरा देवदास जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो पहला क्वेश्चन है वो है पाठ के आधार पर हर की पौड़ी पर होने वाली गंगा आरती का भावपूर्ण वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही जीविका और जीवन है, इस कथन के आधार पर गंगा पुत्रों के जीवन का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में लेकर क्या आशीर्वाद दिया और पुजारी द्वारा आशीर्वाद देने के बाद लड़का और लड़की को अटपटा क्यों लगा, ये तीसरा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन जो है आपका मनोकामना की गांठ भी अद्भुत है और अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है, कथन के आधार पर पारो की मनोदशा का वर्णन करें। ये चार क्वेश्चन है जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से और ये अध्याय आपका यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं आपको ये कहानी कैसी लगी और जो भी आपके डाउट्स हो हिंदी से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।